आज मैं आपको बताऊंगा मेरे आपके इष्ट देव महादेव से जुड़ी वो 11 बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। शिव, इस शब्द का अर्थ है शुभ, मंगल और कल्याणकारी। सारा संसार शिव से ही जन्म लेता है और शिव में ही समा जाता है। यह सिर्फ आस्था नहीं, साइंस है। शिव कॉस्मोस का डार्क मैटर है और ऐसा माना जाता है कि हर चीज डार्क मैटर से शुरू होती है और डार्क मैटर पे खत्म। शिव नटराज हैं, यानी सभी कलाओं के स्वामी। संगीत का जन्म शिव के डमरू से हुआ है, नृत्य का उनके तांडव से। शिव भाषाओं के भी पिता हैं, द फादर ऑफ लैंग्वेजेस। दुनिया की हर भाषा संस्कृत से जन्मी है और संस्कृत के अल्फाबेट्स शिव के डमरू की ध्वनि से जन्मे हैं। शिव अनादि और अनंत हैं, इनफाइनाइट। इसीलिए ज्योमेट्रिकल डिजाइन में सिर्फ पैराबोला उन्हें समेट सकता है। लिंग का स्वरूप पैराबोलिक होता है। शिव को लिंग रूप में इसीलिए पूजा जाता है ताकि हमें याद रहे कि शिव इनफाइनाइट हैं, अनंत हैं। रुद्राक्ष की माला बड़ी पावन मानी जाती है, लेकिन ये रुद्राक्ष हैं क्या, आते कहां से हैं? करुणा स्वरूपी शिव की आंखों से टपके हुए आंसू ही रुद्राक्ष कहलाते हैं। भगवान श्री राम ने शिव का जो धनुष तोड़ा था उसका नाम था पिनाका। लंका ओरिजिनली रावण की नहीं शिव की हुआ करती थी। माता पार्वती के कहने पर उन्होंने विश्वकर्मा से अपने लिए और मां पार्वती के लिए लंका का महल बनवाया था। तो लंका रावण की कैसे हो गई? शिव ने लंका में गृह प्रवेश पूजा करवाई, जिसका पुरोहित रावण था। दक्षिणा में रावण ने शिव की लंका ही मांग ली। भोलेनाथ ने हंसते हुए अपने पुरोहित को दक्षिणा दी और माता पार्वती के साथ कैलाश रहने चले गए। हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी शिवरात्रि कहलाती है, लेकिन फागुन की चतुर्दशी महाशिवरात्रि कहलाती है, क्योंकि इसी दिन शिव लिंग रूप में अवतरित हुए थे और इसी दिन शिव का विवाह देवी पार्वती से हुआ था। योग की शुरुआत शिव से हुई थी, इसीलिए उन्हें आदि योगी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में 5000 वर्ष पुरानी एक मुहर मिली है, जिस पर आदि योगी मुद्रा में शिव की छवि है। समुद्र मंथन से निकला हुआ विष शिव ने गले में क्यों रोक लिया? क्योंकि उनको याद आया कि उनके हृदय में विष्णु का वास है। यदि उन्होंने विष पूरा पी लिया तो विष्णु को कष्ट होगा, इसीलिए वो विष को गले में रोककर नीलकंठ हो गए। ओम नमः शिवाय।